हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 1 किलो में बटरस्कॉच केक, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बिना कोई नोजल यूज किए। ये केक बनाने में बिल्कुल आसान और सिंपल सी तरीकों से बनाना बताऊंगी आपको। एकदम ब्यूटीफुल सा बेकरी स्टाइल में बनेगी ये, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो आज की ये बेकरी स्टाइल की केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्पॉन्ज पहले से बेक करके लिया है। इसी स्पॉन्ज में हमारा 1 किलो का केक बनकर रेडी होगा। तो ये स्पॉन्ज को बनाने के लिए 400 ग्राम होममेड प्रीमिक्स में बैटर बना के 8 इंच के मोल्ड पे इसको बेक किया था। फिर मैं इसको 3 लेयर्स में कट करके लिया है। आज हम बटरस्कॉच केक बना रहे हैं और स्पॉन्ज हमारा बेसिक वैनिला फ्लेवर की है। तो स्पॉन्ज में अंदर तक की फ्लेवर आ जाए बटरस्कॉच का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो बटरस्कॉच का सिरप बना के लिया है, बटरस्कॉच सिरप, जिसके लिए आधा कप जितना पानी लेके उसमें थोड़ा सा बटरस्कॉच एसेंस और बटरस्कॉच क्रॉस को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो हमारा ये बटरस्कॉच सिरप बन गया है। इसी सिरप में हम हमारे केक को सोक करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छे से बटरस्कॉच का फ्लेवर आ जाएगा। क्रीम भी रेडी करके लिया है। अब हम ये केक को असेंबल करना शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले 10 इंच का ये केक बेस के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा ली है। इसके बाद हम लिए हैं स्पॉन्ज की पहली लेयर और इसे भी हम सोक करेंगे। जो बटरस्कॉच का सिरप हम बनाए थे ना, बटरस्कॉच क्रॉस और पानी के साथ, उसी से हम अपने केक स्पॉन्ज को सोक कर लेंगे। ऐसे करने से आप कोई भी बेसिक स्पॉन्ज को किसी भी फ्लेवर में बना सकते हो। मैं बटरस्कॉच का बना रही हूँ, तो बटरस्कॉच क्रॉस ऐड किया था। तो आप किसी और फ्लेवर में बनाना चाहो तो उसी फ्लेवर का क्रॉस ऐड करिए और उसका फ्लेवर आपके स्पॉन्ज तक आ जाएगा। तो अच्छे से स्पॉन्ज को सोक करने के बाद उसके ऊपर क्रीम मैंने लगा दी है और प्रॉपर बटरस्कॉच का फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा बटरस्कॉच का क्रॉस हम हर लेयर में ऐड कर देंगे। बस इसके बाद बटरस्कॉच नॉट्स थोड़ा सा दे देंगे, देन सेकंड लेयर रखेंगे केक की। अब हम सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैं आप सबको करना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है और आपके लिए ये यूजफुल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक वैनिला स्पॉन्ज का रेसिपी देखना है, अगर आपको ये रेसिपी चाहिए, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके वो रेसिपी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक मैं दे दी है। तो अब स्पॉन्ज की थर्ड लेयर को मैंने रख दी है, इसे भी बटरस्कॉच सिरप से सोक कर दिया है। अब हम हमारे केक की एक बार क्रम कोटिंग कर देंगे, एक पतली सी लेयर क्रीम की पूरे केक में लगा देंगे, ताकि इसकी जो क्रम्स है ना, ये बाद में फिनिशिंग के टाइम हमें तंग ना करे। और इसी तरह से क्रम कोटिंग के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे इसकी फाइनल आइसिंग। फ्रेंड्स, ये केक ना मैं 1.5 घंटे के अंदर बनाई हूँ, इसलिए इसमें कोई भी क्रीम डेकोरेशन नहीं की है। अर्जेंट ऑर्डर था, फिर भी कस्टमर डिजाइन भेजना चाहते थे, लेकिन मैं उनको मना कर दी थी, क्योंकि कस्टमर के डिजाइन को पकड़ के इतनी कम टाइम पे केक बनाना पॉसिबल नहीं था। वो भी दोपहर के टाइम, मुझे घर का काम भी करना था, साथ ही और 2 केक आ गया था, फिर लंच बनाना था, इसलिए मैं अपना पसंद का कोई भी डिजाइन बना के दे दूंगी बोला था। लेकिन आज का दिन ही अच्छा नहीं था मेरे लिए। ये जो केक है, ये आज का ही ऑर्डर है। मेरे फोन से डिलीट हो जाता है वीडियो, इसलिए लॉन्च के बाद जैसे ही टाइम मिला ये वीडियो को एडिट करके सेव कर लिया था, ताकि ये वीडियो डिलीट ना हो।
क्रीम भी आज बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा था, फ्रिज में रखने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। फिर कुछ देर के लिए एसी चला के ये केक को जैसे तैसे करके फाइनल आइसिंग किया। उसके बाद ना इसकी गार्निशिंग के लिए न्यूट्रल जेल में ऑरेंज रेड डालने के बजाय टोमेटो रेड डाल दी थी। फिर क्या करूं, उसमें फिर येलो कलर ऐड कर दिया, लेकिन वो परफेक्ट ऑरेंज नहीं बना। देन और थोड़ा सा ज़्यादा येलो कलर ऐड किया। आज बहुत ज़्यादा कलर में ये जो न्यूट्रल जेल में ऐड किया है, अगर इतना ज़्यादा कलर में क्रीम में ऐड करती तो क्रीम का जो सत्यानाश हो गया होता, क्योंकि न्यूट्रल जेल मीठा है तो ये चल गया। देन उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा येलो कलर ऐड करके फिर मिक्स किया तो ये परफेक्ट ऑरेंज कलर का बन गया, लेकिन मुझे इतना डीप ऑरेंज कलर नहीं चाहिए था और थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए था इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। लेकिन कुछ अलग डिज़ाइन सोचा था, लेकिन कुछ और बन गया। क्या आपके साथ भी ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती है? कभी कुछ ख़त्म हो गया है तो कभी कोई गलत चीज़ ऐड कर दिए हैं जल्दबाजी में, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। कोई ऐसा स्पेशल इंसिडेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। तो जैसे तैसे करके ये केक का फाइनल लुक बना दिया। ये डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मुझे 5 ये रिंग चाहिए था, चॉकलेट गार्निशिंग का रिंग, लेकिन मेरे पास 3 था। फिर छोटे छोटे चॉकलेट का जो वो गार्निशिंग लगा दिया, फिर कुछ चोको चिप्स स्प्रेड कर दिया केक के ऊपर व्हाइट और डार्क कलर की। और यहाँ पे देखिए वो जो ड्रिप्स में बनाई हूँ, वो ड्रिप्स को मुझे आधा तक ही लाना था, लेकिन मैं जो न्यूट्रल जेल में ज़्यादा लिक्विड कलर यूज करने के कारण वो जो सारे ड्रिप्स है वो बेस पर आ गिरा। और फिर न्यूट्रल जेल में ज़्यादा कलर के कारण ये देखिए ड्रिप्स के साइड साइड में कैसे कलर छिपा हुआ दिख रहा है, चिपका हुआ दिख रहा है केक में, व्हाइट केक में कैसे कलर कलर दिख रहा है। फिर पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम भर के छोटा कट लगा के ऐसे पॉल डिजाइन बना दी। फिर बर्थडे बॉय का नेम को अल्फाबेट्स में बना के ऐसे केक के ऊपर प्लेस किया। यहाँ पे मुझे चॉकलेट स्टिक चाहिए था ये केक के ऊपर गार्निशिंग के लिए, लेकिन आज का दिन तो बुरा ही था मेरे लिए, वो भी ख़त्म हो गया था और मुझे पता भी नहीं था, तो ये ग्रीन और पिंक स्टिक दे दिया। फिर जैसे तैसे करके ये बनाने के बाद मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे कस्टमर को भी बहुत ही अच्छा लगा। आप देखने के बाद फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें कि आपको कैसा लगा, क्या हम इसके साथ कुछ और कर सकते थे, तो सजेशन भी दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।